नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। खबर नई गढ़ी से, जहां सचिव संघ ने सामूहिक रूप से काम बंद कर हड़ताल की घोषणा की है। सचिव संघ नई गढ़ी के अध्यक्ष ने कहा कि जब तक सरपंच पुत्र और उनके सहयोगियों पर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, तब तक सामूहिक अवकाश पर रहकर कार्य का बहिष्कार करेंगे। बता दें, पूरा मामला नई गढ़ी जनपद पंचायत के जोरौट ग्राम पंचायत का है, जहां के सचिव नारायण देव तिवारी ने बताया कि उनके ऊपर जोरौट ग्राम पंचायत की नव निर्वाचित सरपंच के पुत्र एवं उनके साथियों द्वारा प्राणघात हमला किया गया, जिसकी शिकायत हमारे द्वारा नई गढ़ी थाने में दर्ज कराई गई है, लेकिन आज तक दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। सचिव नारायण देव तिवारी ने बताया कि मैं सीएम हेल्पलाइन की शिकायत के निराकरण के संबंध में जिला पंचायत रीवा गया हुआ था। शाम करीब 8:30 बजे जीआरएस विजय कुमार पांडे के साथ वापस लौटते समय मेरा रास्ता रोक लिया गया और प्राण घातक हमला करने का प्रयास किया गया। मैं किसी तरह वहां से भाग निकला तो वे लोग मुझे जान से मार देंगे, जिसमें दो लोगों को पहचान लिया हूं, जिनका नाम सुरेंद्र सेन एवं दिनेश तिवारी है। बाकी उनके कई साथी थे, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा नई गढ़ी थाने में दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और ना ही पुलिस कोई कार्यवाही की है। अब नई गढ़ी जनपद पंचायत के सचिव संघ ने सामूहिक रूप से कार्य का बहिष्कार कर छुट्टी पर चले गए हैं। ऐसे में लोगों के काम भी प्रभावित हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि लड़ाई में क्या अंजाम होगा, कब सचिव संघ अपनी हड़ताल समाप्त करेंगे और लोगों के काम होने प्रारंभ होंगे। वहीं बात कर लेते हैं अगली खबर की। खबर नई गढ़ी से है, जहां गौरव दिवस के उपलक्ष्य में कलेक्टर मनोज पुष्प के निर्देशन में आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नई गढ़ी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। अभी तक 10 यूनिट से अधिक रक्तदान किया जा चुका है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी नई गढ़ी, जनपद पंचायत नई गढ़ी, अगस्त क्रांति मंच, सीएससी नई गढ़ी सहित अलग अलग समाजसेवी संगठन इसमें सहयोग कर रहे हैं। 100 मिनट से ज़्यादा ब्लड एकत्रित करने का टारगेट रखा गया है।